हमको बता दे तुम्हारी शादी का जुगाड़ करा दे, तुम्हें एक नई घटना क्यों रच रही है? मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मेरा दोस्त होकर इतनी बड़ी दगा करी मेरे साथ, मेरा पार्टनर भी था, मेरा भैया भी था और दोस्त भी था। तुमने भी तो दगा किया हमारे साथ चार बजे सर, वो मेरी गलती है। ये कोई बात होती है? आपने अभी इस 19 सेकंड के वीडियो में दोस्त, दगा और शादी का जिक्र सुना, और ये शब्द एक लूट के मुकदमे के खुलासे में सुनने को मिला है, जहां एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को इतनी बुरी तरह धोखा दिया कि हर्ट होकर बेचारे ने फर्जी लूट का मुकदमा ही लिखा दिया। अरे भाई, आप कहानी सुनेंगे तो शायद आपको हंसी भी आए, आप परेशान भी हों और आपको गुस्सा भी आ जाए कि किस तरह से लोग पुलिस को झूठे मुकदमों में दौड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि पहले से ही तमाम ऐसे मुकदमे पड़े हुए हैं जहां पर लोगों की जिंदगी तक पर बात बनी हुई है। ये मामला रामपुर से आया है, जहां कस्बे में रहने वाले तिरमल सैनी नाम के शख्स ने बीते 1 मार्च को लूट का मुकदमा लिखाया। तिरमल ने बताया कि उनके साथ 2 लाख की लूट की वारदात पेश आई है। ये मामला थाना सैफनी में लिखा गया, लिहाजा पुलिस काफी गंभीर हो गई और तुरंत मामले की छानबीन शुरू की गई ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत या कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि सच में तिरमल के साथ किसी भी तरह की लूट की वारदात हुई है। इसके बाद पुलिस ने तिरमल से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने अपने ही जुर्म का इकबाल कर लिया और बताया कि कैसे तिरमल ने महज अपने दोस्त को परेशान करने के लिए ये झूठा मुकदमा लिखाया। तिरमल का कहना है कि वो जिस लड़की से प्यार करते थे, जिससे वो शादी करना चाहते थे, उनके सबसे अच्छे दोस्त पप्पू ने उसकी शादी अपने भाई से तय करा दी। बस क्या था, तिरमल के पास 2 लाख रुपए आए जो उसे अपने दोस्त के साथ बांटने थे क्योंकि ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन तिरमल ने अपने दोस्त को परेशान करने के लिए और उससे बदला लेने के लिए उन रुपयों को अपने पास रख लिया और पुलिस के पास जाकर झूठा लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने तिरमल से बात करते हुए उसके घर जाकर पैसे बरामद किए और मीडिया के सामने इस मामले का खुलासा किया। एसपी रामपुर ने जब तिरमल से पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास है, उसके चक्कर में पुलिस वालों को काफी डांट पड़ी, तो तिरमल ने अपनी गलती भी मानी और कहा कि वो ऐसी गलती जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं करेगा। तुम्हारी शादी का जुगाड़ कराते, तुम्हें एक नई घटना क्यों रच रही है? मुझे एक बहुत चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मेरा दोस्त होकर इतनी बड़ी दगा करी मेरे साथ, मेरा पार्टनर भी था, मेरा भैया भी था और दोस्त भी था। तुमने भी तो दगा किया हमारे साथ चार बजे तक सर, वो मेरी गलती है। ये कोई बात होती है? पूरा इतना डांट पड़ी पुलिस को सर, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। गलत बात है, महसूस करते हो गलत किया तुमने? लूट फर्जी लिखा दी, बोलो सही बताओ कि दरोगा जी ने बता दिया वही बोल दिया पक्का? मामले पर एसपी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई झूठा मुकदमा लिखा जाता है तो उससे खुद एसपी बहुत ज्यादा तकलीफ में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में असली में पीड़ितों को भी गलत नजर से देखना पुलिस शुरू कर देती है। वहीं एसपी ने यह भी बताया कि पप्पू और तिरमल बिजनेस पार्टनर्स हैं और सिर्फ पप्पू को परेशान करने के लिए ही तिरमल ने ये सारा झूठा खेल रचा। एसपी ने कहा कि झूठा मुकदमा लिखाना भी एक अपराध है, इसीलिए तिरमल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में डीआईजी से लेकर थाने तक की पुलिस सभी काफी ज्यादा परेशान हुए, यहाँ तक कि एसपी ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले पर एसओ को काफी खरी खोटी सुनाई, लेकिन एसओ सैफनी ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले का खुलासा किया है। ये मामला बहुत ही दुखद है, दुखद इन द सेंस कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति आता है झूठ बोलता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर उसी क्रम में क्या होता है ना कि जो सही होता है उसे भी हम उसी चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। ये दिनांक 1 तारीख को सैफनी में इन्होंने ये दिखाया कि हमारी लूट हो गई 2 लाख रुपए की, और घटना के अंदर जो बात थी वो ये थी कि इनका एक दोस्त है पप्पू, इनकी शादी होने वाली थी कोई लड़की होगी, उसने क्या किया कि अपने भाई की शादी करा दी इनसे, इनकी वाली लड़की से। ये दुखी थी इस बात से, उसको चीट करने के लिए, चूँकि वो इनका सह कारोबारी है, उसका भी हिस्सा था पैसे में, तो इन्होंने कहा कि लूट दिखाया उसको फंसा देंगे, उसका हिस्सा मारा जाएगा, बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत ही गलत किया इन्होंने, इस घटना को खारिज करते हुए इनके खिलाफ उचित जो कार्रवाई बनेगी वो हम लोग करेंगे। सर पैसा हो गया, अपराधी की इतिहास कोई नहीं है इनका, पहली बार इनके मन में ये गलत बात आई है, इसका पश्चाताप भी कर रहे हैं, और अब देखता हूँ कि क्या वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि सूचना देना भी अपराध है। सर इनके पास से अभी तक क्या क्या बरामद किया? पूरा टोटल 2 लाख रुपये पूरे ये पैसे हैं जो इन्होंने लूटा दिखाया था कि
चुपके सबने घर रखाए थे, सारा पैसा इन्होंने दे दिया है। एक फर्जी कहानी उन्होंने बताई जिसमें हमारी पुलिस बहुत तंग हुई, बहुत परेशान हुई। हमारे एडीजी सर भी आए थे, डीआईजी सर मौके पे आए, देखे और काफ़ी नाराजगी जाहिर की, यशो की तुमने ऐसी तैसी कर डाली। एनीवे जो कुछ रहा और कुल मिला के घटना का सही पर्दाफाश हो गया है। इसमें हमारे यशो सैफनी जिनकी प्रतिष्ठा है इज्जत दांव पर लगी थी, नए नए भारत से भी बने थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और हर तरह से इसको इलेक्ट्रॉनिकली और जानकारी के हिसाब से चूर से चूर भिड़ाते हुए उन्होंने सही घटना का रिकॉर्ड किया। बहरहाल इस झूठे फर्जी लूट के मुकदमे का खुलासा तो हो ही गया है, लेकिन इस तरह का कोई भी मुकदमा पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौती भरा बन जाता है। ऐसे में आरोपी खुद तो आराम से घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन पुलिस के लिए अलग ही फजीहत हो जाती है, जिसकी वजह से कई गंभीर मामलों में देर हो जाती है। रामपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ शाहबाज खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।